आज हमारे छोटे छोटे बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां घर से बाहर निकलते ही अनसेफ रहते हैं। ये 12 साल की लड़की का जिस तरह से रेप हुआ है, आज ये दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी क्या कर रही है, इस तरह से उसको घायल किया गया है जो ना देखने के लायक है। आज उस लड़की का ना तो कोई देखने वाला है ना कोई कुछ। दिल्ली पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धर करके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर ये 12 साल की लड़की का जिस तरह से रेप हुआ है, आज ये दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी क्या कर रही हैं, और ये गृह मंत्रालय जो हमारे बैठे हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ये बड़े बड़े वादे कर करके, ये लोग को पता नहीं, वादे करते समय तो इतने बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन आज उस लड़की का ना तो कोई देखने वाला है ना कोई कुछ। दिल्ली पुलिस जो है सो हाथ पे हाथ धर करके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम ये दिल्ली पुलिस से सवाल करना चाह रहे हैं, जो आज दिल्ली पुलिस कहाँ गई है? आज 3 दिन हो गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आज 3 दिन हो गया है। अकेला स्वाति महिवाल भी वहाँ पर गई, को इतना ये कर रही हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। सब जाते हैं, जितने भी नेताएँ हैं सब जा करके वहाँ पर देख रहे हैं, बस देख करके, पैसा कोई भी चीज़ नहीं है। आज दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो उस अपराधी को पकड़ करके सजा दे सकते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं। ये दिल्ली पुलिस जो है हाथ पे हाथ धर करके, पता नहीं क्या है, हमें समझ में नहीं आता है। ये हमारी महिलाएं और ये छोटे छोटे बच्चियां, महिलाएं की तो दूर की बात है, महिलाएं के लिए बोलते हैं जो छोटे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे कटिंग वाला पहन लेते हैं, वैसे कटिंग वाला पहन लेते हैं, लेकिन आज 12 साल की बच्ची उसका क्या? वो कौन सी बड़ी थी और छोटे कपड़े पहन करके घूमी, जो आज जगह जगह पे बुरी तरह से उसको दांत काटा गया है, जैसे कि हम भी गए थे वहाँ पे देख करके आए हैं, और इस तरह से उसको घायल किया गया है जो ना देखने के लायक है। ऐसे लगता है जो कि ना ही देखो तो सही है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस जो है हमारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ये बड़े बड़े वादे कर करके, जब वोट का समय आता है तो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शन के समय में, जो पूछिए मत। लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां घर से बाहर निकलते ही अनसेफ रहते हैं, उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, उस पर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है।